गाइस, सुबह के 8:20 हुए हैं। आज मलबे वाले आ गए हैं। ये दो दिन से वेट कर रहा था मलबे की, तो शुक्र है आज आ गए हैं। मौसम भी अच्छा है, ठंडा मौसम बना हुआ है। हाँ जी भैया, कितने टाइम भैया? तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, हाँ जी ठीक है। कह रहे तबीयत ठीक नहीं प्रहलाद की, प्रमोद की। बादल बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है और उसके ऊपर से ब्रूटस देख रहा है। सारा उठा लेना, कितना भी बना सारा उठा लेना। पीछे कुंडी लगा ले दोनों। हेलो गाइस, दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। अब मैं आपको लेकर आया हूँ बाथरूम की तरफ। आज देखिए, इन्होंने फाइनल पेंट कर दिया है। ये देखिए, काफ़ी हद तक सूख भी गया है और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, अभी थोड़ा बहुत रहता है गीला, बाकी सूख ही जाएगा शाम तक। कल इलेक्ट्रिशियन ने यहाँ कनेक्शन कर दिया था इसके बल्ब के लिए। ये भी बल्ब जलता है, मैं आपको दिखाता हूँ ऑन करके। ये देखिए लाइट ऑन हो गई है इसकी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए, और आपको आप ले चलता हूँ किचन की तरफ। किचन में काम शुरू हो चुका है। आज पेंटर मनोज कुमार अकेले आए हैं, उनके साथ का जो हेल्पर था वो नहीं आए हैं। ये देखिए, ये बिफोर है। ये देखिए, ये हमने अपना गैस का चूल्हा ढक दिया है और ये जो बर्तन धोए हुए थे वो भी अखबार से ढक दिए हैं। पहले कपड़े ढके, फिर उसके बाद अखबार से ढके हैं। और ये देखिए, और ये देखिए, और आपको दिखाता हूँ ये जिंजर बैठी हुई है, ये इसका खाना है। पहले इसके लिए मैं स्पेशल रोटी लेकर आया था, लेकिन इसे रोटी नहीं खाई है, ये अपनी मर्जी से खाती है। अब देखिए कैसे चुपचाप बैठी है, जब इसका मूड होगा तभी खाएगी। ओके, मिलते हैं आपको बाद में। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो आज हम कर रहे हैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम से। तो आज मैंने सुबह से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हमारे एक दिन में ऐसा कोई रूटीन होती नहीं है जो आपको दिखाएं, क्योंकि काम चल रहा है, आप सबको पता ही है। तो अभी करते हैं आज शाम की शुरुआत और देखते हैं हम आज के शाम में क्या क्या करेंगे। आज का खाना हर चीज़ आपसे शेयर करेंगे, तो बने रहिए पूरे। हाँ, आज सिखाया था सुबह कि हमारा जो बाहर मलबा था वो मलबा उठाया था, तो वो शेयर किया था हसने ना। अच्छा, तो वो हम उसमें ऐड कर देंगे जो भी शूट हुआ है सुबह का। तो उसके अलावा गाइस, करते हैं आज की शुरुआत और देखते हैं कि आज की इस ब्यूटीफुल से शाम में क्या क्या होगा। जो भी होगा वी प्रॉमिस कि हम शेयर करेंगे।
गाइस मैंने कितनी प्यारी बेडिंग बनाई है जिंजर के लिए। जिंजर यहाँ पे सो रही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। और ये मेरा विसल है, वो विसल तो बिल्कुल भी टिकाव नहीं है। ये बेबी जिंजर उठ चुका है और मैंने देखो पूरा बेड वगैरह भी ठीक कर दिया है। तो गाइस अभी चलो, आप देख सकते हैं आज हमारी फर्स्ट वाइट वॉश हो चुका है, मतलब फर्स्ट कोट हो चुका है। और भैया पूरी सफाई करके भी गए हैं। तो अभी भाई बहुत सिर दुख रहा है, अभी चाहिए एक कड़कती धड़कती चाय, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा कुछ भी। तो बनाते हैं फटाफट से अपनी चाय और फिर मिलते हैं आपसे। मैं अपनी चाय में डालती हूँ बहुत, क्या बड़ा बहुत सारा अदरक, अजवाइन, काली मिर्च, बाहर की चीज आ रही है आदि, तो बहुत सारी इन सब चीज़ें डाल के ही मैं चाय बनाती हूँ। मुझे ऐसी चाय पसंद है, स्ट्रॉन्ग एकदम। तो चलो जी, अभी मैंने दूध और पानी मैं साथ में ही चढ़ा देती हूँ, अलग अलग से नहीं चढ़ाती, निकल ही नहीं रहा गाइस। मुझे दो मिनट कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। गाइस चाय बन रही है, अभी इसको छोड़ देंगे ऐसे थोड़े टाइम के लिए ताकि अच्छे से पक जाए, अच्छे से पक जाएगी, फिर हम इसको कप्स में डालेंगे और एंजॉय करेंगे अपने शाम की मजेदार सी चाय। तो गाइस अभी बज रहे हैं जी 9 बजने में है 10 मिनट और मैं दिखाती हूँ अपने घर के माहौल आपको क्या है। तो बन रही है जी रोटी, क्योंकि आज हमने सुबह से नहीं शेयर किया ब्लॉग, तो हमने आज मामा ने कहा था कि आज हम करते हैं शाम का, जो चेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए भी। और आज खाने में है घिया दाल, घिया दाल और साथ में देखिए लहसुन का तड़का, हरा लहसुन की फुंगले, फुंगलों की तड़का। तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा है नए किचन में खड़ा होना भी, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बस बन रही है जी गरम गरम रोटियां, मजेदार रोटियां जो कि ये लोग खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और यहाँ कौन आया है? मैं क्या खाएगा? पोहा के पोहा दाल। पोहा और दाल दोनों। हाँ। मतलब वैसे तो मैं सिर्फ दाल खानी थी, तेरे से पोहा है मेरा लक। बेबी ये कौन आया है? मम्मा चीरू है। शेरू बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। उसके लिए है ना रोटी जिंजर के लिए, उसे पूछो। ओके, तो हम पूछ के आते हैं। तो गाइस जिंजर भी रोटी खाती है, तो हम पूछ के आते हैं। जिंजर लिए रोटी है? रखी रोटी है ना? देखो। तो गाइस ये जिंजर भी सो रही है, तो अभी जब बेबी सोएगा फिर ये उठेगा रोटी के वक्त, ये खुद से रोटी मांगती है, मतलब ये रोती है। ठीक है, तो गाइस चलो जल के देखते हैं कि रोटी है या नहीं है, है या नहीं है, तो चेक करनी पड़ेगी। अच्छा किचन का काम हो जाएगा खत्म आज, वो एक करके है, एक कोट, एक कोट करती है। कल को शायद सेकंड कोट हो जाएगा, तो फिर ये भी पूरी तरह तैयार हो जाएगा, फिर हम अपना जो चेंजिंग चेंजेस करनी है यहाँ पे। हाँ। वो करेंगे। क्या क्या सोचा हुआ? सोचा है ये जैसे हमारा फ्रिज यहाँ पे आएगा। अच्छा। और सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास गैजेट्स है, हाँ, माइक्रोवेव है और जो क्या कहते हैं उसको, जितने भी है। हाँ, हाँ। ना सब दिखा देते आपको, टोस्टर वगैरह है। जिस दिन हम सेटिंग करेंगे तो उस दिन हम वीडियो भी साथ में शूट कर लेंगे, सब हम यहाँ पे आराम से रखेंगे। हाँ। वैसे अभी हमारे यहाँ पे कबर्ड्स लगेगी जो जिनमें व्हील्स होते हैं, उसको यूज करना आसान होता है। वैसे मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये बहुत ऐसा लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो वो लगने के बाद भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ी ठहर के लगेंगी। तो गाइस आप मानोगे नहीं, हमने स्टार्ट कब किया था? 20 मार्च को, राइट? अभी जून, अभी हाँ 20 जून, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून,
चार महीने हो गया हमारा काम अब जाके भी कंप्लीट नहीं हुआ कह सकते हैं, क्योंकि अगर जब ये हो जाएगा तो ही हम कंप्लीट काम मानेंगे कह सकते हैं। तो उसके अलावा देखते हैं जो जो होगा आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अभी हमारा काम जैसे कि आपको पता होने वाला है, हम घर भी साफ कर लेंगे तो हमारे रिश्तेदार भी आएंगे, हमारे मामू और हमारा मेरा कज़न और मेरा दूसरा छोटा कज़न, मेरी मामी, शायद ये लोग आए तो उनको भी आपसे मिलवाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली हैं, है ना। आमीन, सब अच्छा हो, सब कुछ हमारा खुदा के नाम में कंप्लीट। आमीन आमीन, बिल्कुल। एग्जॉस्टमेंट की आवाज डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा आवाज आती है और पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, मतलब बेबी। तो गाइस, जिस जिसको विसल बहुत क्यूट लगती है वो जरूर प्लीज कमेंट करके बताना कि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत अच्छा है, हमारा जिंजू भी अच्छा है, विसल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस, रोटी बन चुकी है सारी, है ना, करते हैं पोहे को गरम, तो मैं लेके आती हूँ। तो गाइस, मेरा फ्रिज भी साफ होने वाला है, तो आप देख सकते हो कितना मैसी हो रहा है अभी सारा कुछ। कहाँ पर है पोहा? अच्छा, लाल से इसमें। तो हम बाकी सामान जो साइड में रख देते हैं, बड़ी मजे मजे की चीजें हैं फ्रिज में लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि मुंह पे कंट्रोल करना पड़ता है अगर पेट नहीं चाहिए तो। ऑल्दो मैं बहुत ज्यादा लीन नहीं हूँ बट फिर भी आई एम फाइन, नीदर आई एम टू फैट नीदर आई एम टू लीन, सो इट्स ओके, है ना। तो ये सुबह हमने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था, वही गर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना था। और पता है आज मैंने सुबह सोचा था कि ये तो बाद में खा लेंगे, तो मैं सोचा कब खाएंगे, फिर चलो बड़े सही टाइम पे काम आया, पता चल गया अब खाएंगे। हाँ, क्योंकि मुझे ना रात को रोटी खाना पसंद नहीं है क्योंकि मेरा ना टाइम लैप्स हो चुका है, मैं पहले नहीं खाती थी, अब यहाँ पे आके खाया तो मुझे अजीब सा लगता है, रात को अच्छा सा फील नहीं होता। तो गाइस, जरूर कमेंट करके बताओ हमारा किचन कैसा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ होना है, सफाई होनी है, तो जरूर से आप लोग को पसंद आए। तो गाइस, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो अभी हम खाना खाते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो डालमा ओके, ताकि व्यूअर्स भी देख सके। नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए, नहीं नहीं, रोटी नहीं है ना, ले ले। और ये खाना है प्लेट में, आप देख सकते हैं दाल का लुक और चपाती, मिर्चें, तली मिर्चें, जिन जिनको तली मिर्चें पसंद है वो भी कमेंट करके बताना। तो ठीक है, अभी हम खाना खाते हैं और गाना गाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब हमारी जो हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब होगा हमारा थोड़ा सा टीवी टाइम, और उसके अलावा मुझे व्लॉग एडिट भी करना है और पोस्ट भी करना ताकि आप सब लोग इंजॉय कर सको। तो अब आज के लिए इतना ही है, हम आपको मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग में एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल।